एक बकरे की आंख किसी मनुष्य की जान कैसे ले सकती है, लेकिन सूरजपुर जिले में एक ग्रामीण के साथ ऐसी ही घटना घटित हुई है। बकरे की आंख के चक्कर में उसकी अपनी जान चली गई। दरअसल ग्रामीण ने बकरे की बलि देने के बाद उसकी आंख खा ली। आंख उसके गले में जा फंसी, जिसके बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसकी मौत हो गई। मामला सूरजपुर से लगे ग्राम पर्री का है। रामानुज थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव के रहने वाले 50 वर्षीय बागर साए रविवार को गांव के अपने कुछ साथियों के साथ प्रसिद्ध खोपा धाम पहुंचे थे। दरअसल उसने एक मन्नत मांगी। मन्नत पूरी हुई तो वह बकरे की बलि देने के लिए खोपा धाम पहुंचा। उन्होंने यह पूजा करने के बाद बकरे की बलि दी, जिसके बाद सभी लोगों ने मिलकर बकरे के मांस की सब्जी बनाई। तभी बागर ने मांस के बीच से बकरे की आंख निकाल ली और उसे बड़े चाव से खाने लगा, लेकिन आंख उसके गले में जा फंसी। बकरे की आंख के गले में फंसते ही बागर तड़पने लगा और उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। ग्रामीणों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। घर वालों को बागर के मौत की सूचना मिली तो वह तुरंत अस्पताल पहुंची। बागर की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। सभी का रो रो के बुरा हाल है। आपको बता दें कि बकरे का कच्चा मांस खाने के साथ ही बागर सिंह ने कटे हुए बकरे की आंख को भी निकाल लिया और चबाने लगा। इस दौरान बकरे की आंख उसके गले में फंस गई। गले में कच्चा मांस फंस जाने से दम घुटने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथ ही उसे तत्काल जिला चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उन लोगों की भी तबीयत खराब होने लगी। सभी को उल्टी और दस्त होने लगे। तत्काल सभी को अस्पताल लाया गया। पुट्टू के सेवन से कबरी मछार, फूलमती, मनरूपा और सुमार साय की तबीयत बिगड़ी थी। फिलहाल सभी के स्वास्थ्य में सुधार है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।